अभी जो आप पौधा देख सकते हो, ये हमने कितने आसानी से और बिना ज़्यादा किसी मेहनत के तैयार किया है। यकीन मानिए, इसमें 1 रुपये भी नहीं खर्च हुआ है और आप बहुत ही आसानी से ये पौधा तैयार कर सकते हैं। इस पौधे को तैयार करने के लिए आपको चाहिए एक चाकू। जी हाँ, सच सुना आपने, ये कटिंग से तैयार नहीं हुआ, ये एयर लेयरिंग से तैयार हुआ है। तो एयर लेयरिंग का प्रोसेस में आपको कुछ चीज़ें चाहिए, एक पन्नी, मिट्टी और चाकू। तो किस तरीके से हम एयर लेयरिंग कर सकते हैं, चलिए आप बताते हैं। तो ये एयर लेयरिंग हमने पौधे की थी, अंजीर का पौधा है और आप देख सकते हैं कि इसको आज हम इसकी कटिंग कर देते हैं। एयर लेयरिंग करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो मेन पौधा है वो ख़राब नहीं होता है, सूखता नहीं है और एक हमें नया पौधा प्राप्त हो जाता है और जिसमें अच्छी खासी फ्रूटिंग आती है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी रूट डेवलप हो चुकी है और पौधा हमारा सूखा भी नहीं है, मतलब एयर लेयरिंग का जो डना है वो सूखे कैसे, वो तो जब मेन ब्रांच से लगा है वो तो उगेगा ही। तो इससे क्या होता फ़ायदा होता है कि हमारा मेन पौधा बचा रहता है और हमें एक नया पौधा भी मिल जाता है। अब इसकी पन्नी हम हटाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसमें रूट डेवलप हो चुकी है। तो देख सकते हैं कि इसमें पुरानी मिट्टी जो हमने बांधी हुई थी वो उसके सहारे इसमें देखिए मिट्टी के साथ वो जड़ रूट डेवलप हो चुकी है। और इससे फ़ायदा के देखिए क्या हुआ, हमें एक नया पौधा मिल गया और हमारा मेन पौधा ही बचा रह गया। इस पौधे को हम लगाएंगे तो इसमें पक्का फल आएगा, क्योंकि ये जो डंडी थी इसमें पहले से अंजीर का फल आ रहा था। तो चलिए इसको हम लगाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसको आपको लगाने बताएंगे। तो छेद हो ये एक गई पुराने उसमें। पेंट की बाल्टी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये पौधा तैयार कर रहे हैं। अरे जब ये इतना थोड़ा नहीं ठीक ठाक चाहिए, हो जाएगा तो इतना नहीं इसके चाहिए, पौधे को हम काम चेंज कर चार देंगे। छेद में मिट्टी का एक वही दस पुराना लोग प्रोसेस नहीं है, रहा। 50-50-30 और 25 का रेशियो लेके हम अपने पौधा तैयार करेंगे। और ये देख सकते हैं कि आज 1 महीने बाद हम जब थोड़ी मौसम में गर्मी आ गई है तो आप इसका फल भी देख सकते हैं कि निकल रहा है। तो पुराने पौधे की अगर हम बात करें तो ये देखिए हमारे पुराने पौधे हैं जिसमें हमारे फल आ रहे हैं। और ये जो हमने पौधा तैयार किया था एयर लेयरिंग से, जिसका फर्स्ट में हमने आपने वीडियो देखा होगा, उसमें देखिए पत्तियां आना चालू हो चुकी हैं। ये लगभग 1 महीने बाद का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें से पत्तियां आना चालू हो गई हैं। लगभग 6 मंथ में ये फ्रूटिंग करने लगेगा। इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए आपको गार्डन सॉइल, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और बीच बीच में आप नीम खली पाउडर मतलब डाल दिया करिए, तो ये अच्छे से आपको फल देने लगेगा। अंजीर के पौधे की सबसे अच्छी बात ये कि काफ़ी ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशन प्लांट है और घर पर आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये हमारा अंजीर का पौधा था तो ये फल भी दे रहा है और इसमें कुछ बहुत फल गिर भी जाते हैं, तो उसको अभी उपाय है बचाने का। उसके लिए किस चीज़ की कमी हो, कभी कभी कैल्शियम की कमी हो जाती है, पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, तो उसके लिए आप चूना का पानी या आप अपने आसपास की किसी गार्डनिंग की शॉप में जाके कैल्शियम पाउडर ले सकते हैं। और सबसे अच्छा माध्यम तो यही है कि आप गोबर की खाद डाल दिया करिए, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक रहता है, उसमें सभी तत्व मिले रहते हैं। बीच बीच में अगर आपको लगे कि इसमें कैल्शियम कमी है तो आप इसमें छाछ का पाउडर भी डाल सकते हैं, छाछ डाल सकते हैं। ये हमने देखिए बोरी में लगाया था, इससे पहले का पौधा है, ये कटिंग से तैयार किया था। इसका वीडियो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कुछ पत्तियाँ जो आपके टेढ़ी मेढ़ी होती हैं उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे बीच बीच में तो पौधा काफ़ी अच्छे चलता रहता है। इसी के साथ इसमें बीच में हमने टमाटर का भी पौधा लगा दिया है, क्योंकि गमला काफ़ी बड़ा है तो उसमें एक पौधा लगाया जा सकता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।